Good afternoon, students. Today we are going to discuss about our second topic of balancing of rotating masses, that is vibration. तो आज जो हम discuss करने वाले हैं वो vibration है. आपका last chapter का last topic है ये, और इससे आपका syllabus ख़त्म हो जाएगा. तो आज हमारा जो chapter बहुत detail में नहीं है vibration में, just overview है. तो हम start करेंगे basic concepts of vibration. बेसिकली पहला सवाल आता है कि सर वाइब्रेशन क्या है. तो यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं, व्हाट इज़ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन इज़ डिफाइंड एज द मैकेनिकल ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, वाइब्रेशन जो है वो मैकेनिकल ऑसिलेशन है सिस्टम अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये तीन आप देख सकते हैं. ऑसिलेशंस होता है इक्विलिब्रियम पोजीशंस है. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये ऐसे, ये आपके ऑसिलेशंस हैं इक्विलिब्रियम पोजीशंस है. मतलब दो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसके वहाँ उसके विद रिस्पेक्ट से ऑसिलेशंस होगा, उसको कहते हैं वाइब्रेशन. वाइब्रेशन में वाइब्रेटरी सिस्टम जो होता है व्हाट इज़ उसमें तीन चीज़ें होती हैं, स्प्रिंग और इलास्टिसिटी, मास और इनर्शिया और डैम्पर. तो जो स्प्रिंग या इलास्टिसिटी तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है, मास और इनर्शिया, ये मास और इनर्शिया और एक डैम्पर होता है जो कि वाइब्रेशंस को कम करता है, धीरे धीरे डिमिनिश करता है. नाउ वाइब्रेशन होते उसमें क्या होता है, उसमें होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड अगेन काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा. नाउ ये कुछ टर्म्स है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीटी एग्जाम में भी, टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेशन. फर्स्ट वन इज पीरियड. व्हाट इज पीरियड? इट इज़ टाइम टेकन बाय द मोशन टू रिपीट इटसेल्फ एंड इज मेजर इन सेकेंड्स. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पीरियड इट इज़ टाइम टेकन by motion to repeat itself. जितना समय ये motion को repeat होने में लगता है अपने आप को, उसको कहते हैं period. That is measured in seconds. Cycle. It is the motion completed during one time period. ठीक है, ये simple है cycle. Frequency. Number of cycles of motion completed in one second. फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल, कितनी साइकल्स कंप्लीट हुई है एक सेकंड में, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट है हर्ट्ज. रेजोनेंस. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके जीटी के रेफरेंस से. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम, अ स्टेट ऑफ रेजोनेंस इज सेड टू हैव बीन रीच्ड. रेजोनेंस रिजल्ट्स इन लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस मे बी डेंजरस. रेजोनेंस कब होता है? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है. मतलब जो आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, तब रेजोनेंस ऑकर होता है. ठीक है, इसके कारण लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं और ये डेंजरस होता है. नाउ स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन मार्क में आ सकते हैं. टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, तो फर्स्ट टाइप है लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशंस. A continuing periodic change in displacement of an element object in the direction of long axis of the rod. इसका मतलब ये longitudinal directions, मतलब straight line में, vertical line में जो ये vibration ऊपर नीचे होगा उसको कहते हैं longitudinal vibrations. ठीक है, second type है transverse vibration. Transverse vibration in which the element moves to and fro in direction perpendicular to the direction of advance of wave. मतलब students ये ऐसे ऐसे vibrate होगा. ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन होगा, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स. तीसरा है टॉर्जनल वाइब्रेशन. टॉर्जनल वाइब्रेशन का मतलब है एंगुलर वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. टॉर्जनल वाइब्रेशन इज ऑफन कंसर्न इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूजिंग रोटेटिंग शाफ्ट कपलिंग वेयर इट कैन कॉज फेलियर इफ नॉट कंट्रोल. स्टूडेंट्स जैसे कि आप रॉड देख रहे हैं, इसको मैं गोल घुमाऊंगा ऐसे, तो इसको कहते हैं टॉर्जनल वाइब्रेशंस. ठीक है, एंगुलर वाइब्रेशन,
क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन, दो टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, एक है फ्री वाइब्रेशन और एक होता है फोर्स वाइब्रेशन. वॉट इज फ्री वाइब्रेशन? फ्री वाइब्रेशन ऑकर्स व्हेन अ मैकेनिकल सिस्टम इज सेट इन मोशन विद एन इनिशियल इनपुट एंड अलाउड टू वाइब्रेट फ्रीली. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन आर पुलिंग अ चाइल्ड बैक ऑन अ स्विंग एंड लेटिंग गो, और हिटिंग अ टर्निंग फॉक एंड लेटिंग इट रिंग. द मैकेनिकल सिस्टम वाइब्रेट्स एट वन और मोर ऑफ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड डैम्प्स डाउन ड्यू टू मोशनलेस. मतलब स्टूडेंट्स, फ्री वाइब्रेशन मतलब आपने एक बार उसको मोशन डाल दिया और फिर वो वाइब्रेट होकर अपनी नेचुरल पोजिशन में आ जाएगा, उसको कहते हैं फ्री वाइब्रेशन. ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे आपने चमची को एक थोड़ा सा मार दिया, वो थोड़ी देर वाइब्रेट होगी और फिर से अपनी स्टेशनरी पोजिशन पे आ जाएगी, उसको कहते हैं फ्री वाइब्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्स वाइब्रेशन. फोर्स वाइब्रेशन इज व्हेन टाइम वेरिंग डिस्टर्बेंस दैट इज लोड डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इज अप्लाइड टू अ मैकेनिकल सिस्टम. द डिस्टर्बेंस कैन बी पीरियोडिक एंड स्टेडी स्टेट इनपुट, अ ट्रांजिएंट इनपुट और रैंडम इनपुट. द पीरियोडिक इनपुट कैन बी हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक डिस्टर्बेंस. फोर्स्ड वाइब्रेशंस के एग्जाम्पल इंक्लूड अ वॉशिंग मशीन शेकिंग ड्यू टू इम्बैलेंस, ट्रांसपोर्टेशन वाइब्रेशन कॉज बाय एन इंजन और एन अनइवन रोड और द वाइब्रेशन ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. स्टूडेंट्स, फोर्स वाइब्रेशन हमेशा याद रखिए. इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप जानबूझ के कोई चीज़ को हिला रहे हैं. ठीक है, अर्थक्वेक में क्या है, एक बिल्डिंग है उसको कोई जानबूझ के हिला रहा है, कंटिन्यूस पकड़ के वो बिल्डिंग को हिला रहा है अर्थक्वेक में. ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सुखाने का जो मशीन है उसको कंटिन्यूस मोशन कोई दे रहा है, तो उसको कहते हैं फोर्स वाइब्रेशंस. ठीक है, इज अप्लाइड टू द मैकेनिकल सिस्टम. टाइम वेयरिंग डिस्टर्बेंस इज अप्लाइड टू द सिस्टम. ठीक है, और फ्री वाइब्रेशन ने क्या था, मार के छोड़ दिया. ठीक है, और भी कैटेगरी है. अनडैम्प्ड वाइब्रेशन व्हेन एनर्जी इज लॉस और डिसिपेटेड इन फ्रिक्शन और अदर रेजिस्टेंस ड्यू टू ड्यूरिंग ऑसिलेशन, वो है अनडैम्प्ड वाइब्रेशन. डैम्प वाइब्रेशन व्हेन एनर्जी इज लॉस और डिसिपेटेड इन फ्रिक्शन और अदर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ऑसिलेशन. व्हेन ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ वाइब्रेटरी सिस्टम दैट इज स्प्रिंग मास हैव डैम्पर बिहेव लीनियर वाइब्रेशन, नॉन लीनियर वाइब्रेशन. इफ नॉन लीनियर वाइब्रेशन, इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स बिहेव नॉन लीनियरली. स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ फिजिकल सिस्टम रिक्वायर्स द सिलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ सिस्टम. The number of degree of freedom for a system is necessary is the number of kinematically independent variables necessary to completely describe the motion of every particle in the system. Students, ये degree of freedom का definition है, याद रखिएगा. Degree of freedom मतलब क्या है कि हमको कोई number चाहिए जिससे हम जो degree जो motion है spring का उसको define करते हैं, तो वो उसको कहते हैं degree of freedom का नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये चीज़ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है तो ये एक ही बार ऊपर नीचे ऐसे करेगी. ठीक है, ये वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है. और यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक जो ये है वो फिक्स किया गया है और ये ही मूव हो रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू दिया है, मतलब यहाँ के दोनों एंड के वहाँ पर स्प्रिंग लगा है. ठीक है, ये ज़्यादा तरह से, इसको ज़्यादा फ्रीडम है मूव करने की, इसको कम फ्रीडम क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी चीज़ फिक्स्ड की गई है. इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक स्प्रिंग मैकेनिज्म दिया है आपके साइड में. ठीक है, दूसरा है स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, और तीसरा है टॉर्जनल सिस्टम. ठीक है, ये सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के एग्जांपल हैं. ये आपका टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला सिस्टम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्प्रिंग लगी है, दो स्प्रिंग ऑफ मास लगी है,
यहाँ पर दो टॉर्शनल एलिमेंट दिए हैं, ये डबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के एग्जांपल है, ये ट्रिपल डिग्री ऑफ फ्रीडम के एग्जांपल है। 1 2 3 चार स्प्रिंग्स लगी हैं यहाँ पर, और यहाँ पे तीन टॉर्शनल एलिमेंट हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको वो है डैम्पिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जीटीयू में। व्हाट इज डैम्पिंग? द डिमिनिशिंग ऑफ वाइब्रेशन विद टाइम इज कॉल्ड डैम्पिंग। आप देखिए कोई भी चीज़ को आप वाइब्रेशन करा दिया लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिमिनिश होता जाएगा, मतलब घटता जाएगा, कम होता जाएगा, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, तो उसको कहते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग इज द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर इन टू थर्मल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इज अ मेजर ऑफ स्ट्रक्चर्स डैम्पिंग लेवल। डैम्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद अर्थक्वेक्स सिंस इट डिसिपेट्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक विच विल हेल्प रिड्यूस द डैमेज टू द बिल्डिंग। सुनो आप देखिए डैम्पर्स लगाए होते हैं ताकि हमारा जो अर्थक्वेक आने से जो बिल्डिंग का बिल्डिंग में जो भी नुकसान हो सकता है उसको कम करने के लिए, मतलब वाइब्रेशंस को बंद करने के लिए डैम्पर्स लगाए होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के डैम्पिंग्स हैं, विस्कस डैम्पिंग। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ फ्लूइड मीडियम सच एज एयर, वाटर, गैस एंड ऑयल। ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। डैम्पिंग फोर्स इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन दैट ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बिटवीन द ड्राई सरफेस। और हिस्टेरेटिक डैम्पिंग, एनर्जी अब्सॉर्ब और डिसिपेटेड बाय मटेरियल ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग फ्रिक्शन बिटवीन इंटरनल प्लेन्स। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वेशंस हैं डैम्पिंग के। डैम्पिंग इज द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड विद टाइम ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम ऑफ वाइब्रेशन। डैम्पिंग ऑकर्स प्रोग्रेसिवली एज एनर्जी इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम बाय अनदर फोर्स सच एज फ्रिक्शन। इफ डैम्पिंग इज इनफ देन द सिस्टम जस्ट फेल्स टू ऑसिलेट, देन इट इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड। डैम्पिंग मोर देन दिस इज रिफर्ड टू ओवर डैम्पिंग एंड लेस इज सिमिलरली अंडर डैम्प्ड। तो स्टूडेंट्स ये आपका वाइब्रेशन का टॉपिक हमने कवर कर दिया है, इसमें डैम्पिंग का बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप खुद की स्टडी के लिए स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।